हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। मैं आज आप सभी को डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 13 है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ये चैप्टर जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो, क्योंकि जो हमारे इससे पहले अभी हमारी तीसरी ईयर मतलब तीसरी साल हुई है इस सब्जेक्ट को आए हुए, इससे पहले दो बार इसके पेपर हो चुके हैं। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है उसी में देखो, जो क्वेश्चन नंबर वन मतलब जो पेपर पहले हुआ था उसमें भी क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो एट था उसमें, इसमें समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन था इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, और पहले में उसका महत्व पूछा गया था और दूसरा जो था उसमें क्या है उसका पारंपरिक दृष्टिकोण पूछा गया था, एक अर्थ पूछ के फिर जो है पारंपरिक दृष्टिकोण के बीच अंतर पूछा गया था। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि आप इसको छोड़ना मत, अच्छे से कर लेना। तो हो सकता अब तीसरा क्वेश्चन ये वाला आ जाए, ये समुदाय आधारित प्रबंधन जो संस्थागत ढांचा, या फिर ये आ जाए या ये आ जाए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप ये मत सोचना, या इनमें से ही कोई सा रिपीट किया जा सकता है। तो आप इस चैप्टर को क्या है अच्छे से रिवाइज कर लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना। चलिए तो हम क्वेश्चन जो है ये देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन सा बता रही थी। ये देखिए यहाँ पर ये था, और इसकी जो ये अर्थ बता के उसका पारंपरिक दृष्टिकोण बताना था, जो बीच में अंतर ये देखिए कंपैरिजन दिखाया गया है, ठीक है। और उससे पहले कौन सा था, उससे पहले सिर्फ इसका अर्थ महत्व ही पूछा था, ठीक है। ये यहाँ तक से परिभाषा ही पूछी थी, ये यहाँ तक। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन CBDM प्रमुख पहलू, जिस देखिए समुदाय और समुदाय आधारित संगठन, तो इसमें क्या है कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक समुदाय को एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग या जो लोग अपने सामान्य हितों, सामाजिक समूह या राष्ट्रीयता के कारण इकाई के रूप में रहते हैं माना जाता है। वे एक समान स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों के समूह हैं। आपदा जोखिम में न्यूनीकरण DRR के संदर्भ में समुदाय उन लोगों का एक समूह है जो एक ही विपदा से अवगत है। समुदाय अपनी खुद की संवेदनशीलता की पहचान कर सकते हैं और वे अपने कल्याण के लिए भी सर्वोत्तम निर्णय ले सकते हैं या लेते भी हैं। हालांकि जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा को कम करने के लिए UNISDR के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और प्रत्येक समुदाय ज्ञान, पेशेवर क्षमताओं और विपदा से बने जो अनुभव है अनुभव में पाया जा सकता है, लेकिन शायद ही कभी इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है या पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। ये बता रहे हैं कि जो समुदाय और समुदाय आधारित जो संगठन होता है वो क्या है, एक कई लोगों का क्या है, कई व्यक्तियों का और एक परिवारों का क्या है समूह होता है, और ये क्या है जो आपदाएं होती है उनसे एक किसी एक ही आपदा से क्या है ये अवगत होते हैं, और जो आपदाएं आती हैं उनको कम करने में या उनसे बचाव करने में ये खुद ही सक्षम होते हैं, और ये ये निर्णय भी लेते हैं। उस टाइम कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, उसको लेने में ये काफ़ी अच्छे होते हैं और ये डिसीजन लेते भी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इस प्रकार आपदा प्रबंधन में समुदाय की एक प्रमुख भूमिका होती है, और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका निम्नलिखित कारणों से प्रासंगिक हो गई है। तो इनकी कौन कौन सी भूमिकाएं और ये किस तरीके से निभाते हैं अपनी भूमिका, तो हम इसको देख लेते हैं। चलिए रुकिए, पहले मैं बड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए,
23 समुदाय और समुदाय आधारित संगठन, इसको तो हमने कर ही लिया है। पहला ये देखिए, स्थानीय स्तर पर समुदाय और समुदाय के लोग आपदा के प्रति प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित रहते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कोई आपदा गंभीर है या हल्की है, जब आपदा हो जाती है तो वे मुख्य हितधारक होते हैं और आपदा पश्चात उन्हें खोना पड़ता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर क्या है, समुदाय के जो लोग होते हैं वो आपदा के प्रति क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने से ही पीड़ित हो रहते हैं। इस तथ्य के बावजूद भी क्या है, कोई आपदा गंभीर या हल्की है, जब आपदा हो जाती है तो ये मुख्य हितधारक होते हैं और आपदा के पश्चात इनको क्या है, खोना पड़ता है। ये साथ में नहीं रहते, इनको खोना पड़ता है। दूसरा है समुदाय सदस्य संवेदनशीलता से प्रभावित होने वाले पहले समूह होते हैं। जो समुदाय के सदस्य होते हैं तो संवेदनशीलता से क्या है, पहले ही ये प्रभावित हो जाते हैं, होने वाले पहले समूह होते हैं। ऊपर जो अगर जो समुदाय अपनी क्या है, खुद की संवेदनशीलता को संबोधित नहीं करता है तो क्या है, समुदाय को बहुत कुछ खोना पड़ता है। साथ ही वे अपने समुदाय पर आपदाओं के प्रभाव को कम करके भी सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ये बता रहे हैं कि जो अगर समुदाय अपनी खुद की संवेदनशीलता को क्या है, खुद की संवेदनशीलता को संबोधित नहीं करता है तो क्या है, जो समुदाय होता है बहुत कुछ उनको खोना पड़ जाता है। मान लो कोई है, अगर मैं अपने बहन भाई किसी को सपोर्ट नहीं करूं तो उनको दूसरे के सामने क्या है, मतलब थोड़ा जलील होना पड़ेगा, उनका कोई साथ नहीं देगा और उसको क्या है, नुकसान होगा या मुझे भी नुकसान होगा, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे साथ नहीं होगी और उसको पड़ेगी तो मैं उसके साथ नहीं, तो उसको क्या है, दोनों को ही नुकसान होगा। इसी तरीके से अगर आपदा मतलब जब आपदा आती है तो जो समूह के जो लोग होते हैं, समुदाय के लोग जो होते हैं, अगर वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे तो क्या है, उनको बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ता है और उनको बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जो अपने समुदाय अगर वो अपने समुदाय पर जो आपदाओं के प्रभाव को कम करके मतलब अगर वो सब एक साथ मिलकर क्या है, आपदाएँ जो आती हैं उनको कम कर ले तो क्या है, उनको लाभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। देखिए, आपदा को संभालने में इस प्रकार समुदाय को सबसे आगे रखा जाता है, जिसने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के उद्भव को जन्म दिया है। यदि समुदाय एक समूह के रूप में संगठित होते हैं तो समुदाय एक आपदा स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता है और उनके प्रयासों को एक साथ जोड़ते समय उनके पास विभिन्न लाभ होते हैं। एक समुदाय का संगठित प्रयास विभिन्न कारणों से अधिक लाभदायक है, जिससे निम्न शामिल है। तो कौन कौन से है, तो वो देखिए, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि एक समुदाय का संगठित प्रयास मतलब सभी जब मिलकर प्रयास करते हैं तो उनके कारण जो कई कारण क्या है, अधिक लाभदायक होते। तो वो किस तरीके से होते तो हम इसमें देखेंगे। पहला है, एक समुदाय की विशाल स्वयं से भी क्षमता होती है। एक जो समुदाय होता है उसकी विशाल मतलब आलिशान जो स्वयं से भी क्षमता होती है। दूसरा, स्थानीय ज़रूरतों को समझाने के लिए समुदाय की सहज क्षमता होती है, मतलब जो स्थानीय ज़रूरतों को क्या है, समझाने के लिए जो समुदाय है उसमें क्या है, सहज बहुत सरल क्षमता होती है। तीसरा क्या है, अपने समुदाय के सबसे कमज़ोर वर्गों पर जागरूकता बढ़ती है। और चौथा है, स्थानीय सदस्यों के साथ अंतर्निहित विश्वसनीयता होती है। दूरस्थ सामाजिक समूह तक पहुंच, जो आमतौर पर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, मतलब जो दूर के जो सामाजिक समूह तक क्या है पहुंच, जो क्या है आमतौर पर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। और दृढ़ता और समुदाय प्रभाव की शक्ति,
और लास्ट है सरकारी प्रक्रियाओं के बाहर निर्णय लेने की क्षमता, जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं उनसे हटकर उनसे बाहर क्या है निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्या है क्षमता। इन सभी कारणों से दूसरा समुदाय आधारित संगठन आपदा स्थिति को संभालने के लिए प्रभावी साधन है। इसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि समुदाय आधारित संगठन संगठन जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन हैं जो स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो अपनी गतिविधियों को संचालित मतलब चलाते हैं, निगरानी और नियंत्रित करते हैं, मतलब उनको देखभाल भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। ये संगठन सरकारी और निजी संस्थानों में संस्थानों के क्या हस्तक्षेप के बिना काम प्रशासनिक विकास अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य शामिल होते, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, न केवल आपदा की स्थिति को संभालने में बल्कि आपदा जोखिम आकलन करने में भी उनके पास अधिक क्षमता होती है। देखिए इसमें जो कलेक्टर होता है, जो जिला अधिकारी होते हैं और जो विकास अधिकारी मतलब जो BDO जिनको बोला जाता है ब्लेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो DM जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जो होते हैं, ये सभी क्या है इन सभी से बातचीत करके इन सब के सहयोग से इनके एडवाइस के थ्रू इन सभी के क्या है सभी मिलकर जो आपदाएँ आती हैं उनको कम करने का उनसे बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है समूह इनसे हटकर इनसे बाहर भी क्या है इनके बिना एडवाइस के इनके बिना सलाह के क्या है अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है और वो ले भी लेते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं CVDM की परिभाषा। CVDM की परिभाषा क्या है, तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर 2004। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन CVDM, जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट CVDM, को एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करता है कि अपनी कमजोरियों को कम करने और बढ़ाने के लिए आपदा जोखिमों की पहचान विश्लेषण कार्यान्वयन निगरानी और निकासी में जोखिम समुदाय को सक्रिय रूप से संलग्न करना चाहिए तथा उनकी क्षमताओं को बढ़ना भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको NDMA 2014 कहता है, जहाँ समुदाय को सज्जित और तैयार किया जाता है। आपदा का स्पष्ट रूप से कम प्रभाव पड़ता है, खासकर जीवन के नुकसान के संदर्भ में। इसके अलावा यह CVDM को क्या है मानव निर्मित जो मानव प्रेरित और प्राकृतिक खतरों दोनों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का आकलन करने और चिन्हित खतरों के प्रभाव को जो रोकने के और नून्य करने के लिए मतलब कम करने के लिए आवश्यक रणनीतियों और संसाधनों को विकसित करने के लिए जो समुदाय की क्षमता का निर्माण करने के दृष्टिकोण के रूप में तथा अनुक्रिय पुनर्वास और पुनर्निर्माण में माना गया है। अब हम देखेंगे CVDM के सिद्धांत। CVDM जो है इसके सिद्धांत क्या हैं, अब हम इसके सिद्धांत को देखेंगे। CVDM के सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय समुदाय केंद्रित होते हैं, स्थानीय चैंपियन आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों की योजना कार्यान्वयन और प्रबंधन में क्या है स्वामित्व होते हैं। दूसरा है स्थानीय संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग, जो स्थानीय संसाधन होते हैं और जो क्षमता है उनका क्या है उपयोग किस तरीके से करते, तो हस्तक्षेप स्थानीय रूप से उपलब्ध और सुलभ संसाधनों क्षमताओं और नेटवर्क साझेदारी से शुरू होता है और स्थानीय स्तर पर इन सभी पहलुओं का क्या है उपयोग आपदा से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा है अपनी पसंद और निर्णय, मतलब अपनी पसंद के अकॉर्डिंग क्या है निर्णय,
आपदा जोखिम में कमी के दौरान समुदाय को अपने विकल्पों और निर्णयों का विचार करना चाहिए। मतलब क्या है, जो आपदा के समय जो लोग होते हैं उनको, अपने समुदाय के जो लोग होते हैं उनको अपने विकल्पों का और निर्णय लेने का क्या है, मतलब लेना चाहिए। अब है क्षमता का आकलन। क्षमता का आकलन जो है डी आर आर कार्यक्रम समुदाय विशिष्ट होना चाहिए और स्वास्थ्य स्तर के लोगों की क्या है, क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट है संवेदनशील समूहों पर ध्यान देना और संवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि भलाई और आवश्यकताओं को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात संबोधित किया जा सके। ये बता रहे कि जो संवेदनशीलता, संवेदनशील जो समूह पर क्या है ध्यान देना चाहिए, जो संवेदनशील समूह है चाहे कोई पक्षी या जानवर है या इंसान है, ये जो भी संवेदनशील हैं उन समूहों पर क्या है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो संवेदनशील पे जो समूह होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि भलाई और जो आवश्यकताओं को क्या है आपदा आए उससे ही पहले क्या है उनकी हेल्प कर दी जाए, उनको बचाया जा सके और उनका नुकसान होने से बचाया जा सके, ठीक है, दौरान और उसके पश्चात में संबोधित किया जा सके। मतलब आपदा से पहले भी उनकी तैयारी करा दें और आपदा आने के बाद में जो भी है तो उसको भी क्या संबोधित करा सके। तो ये सभी है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हम जो इसमें जो देखिए जो हमारा जो प्रवेश क्वेश्चन पेपर था तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो उसमें समुदाय आधारित पूछा गया है। तो उसमें देखिए पहले तो हमने जो समुदाय आधारित जो अवधारणा जो अर्थ है उसको देख लिया, उसका अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करते हुए क्या है जो पारंपरिक दृष्टिकोण, ये देखिए जो पारंपरिक दृष्टिकोण है CBDM दृष्टिकोण के बीच में क्या है अंतर बताना है। तो वो किस तरीके से होगा हम इसको देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं CBDM प्रथाओं के परिचय के साथ आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ जो है प्रभावी हो गई हैं क्योंकि ध्यान लोगों की ओर है तथा उनकी जो संवेदनशीलता को क्या है संबोधित करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण स्थानीय जरूरतों के लिए अधिक असंवेदनशील था और इससे आपदा प्रभाव को कम करने में बहुत मदद नहीं मिली। पारंपरिक और CBDM दृष्टिकोण के बीच अंतर किस तरीके से है तो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए पारंपरिक दृष्टिकोण और दूसरा देखिए CBDM दृष्टिकोण, ये दोनों अलग अलग है, इसमें क्या डिफरेंस है तो हम देखते हैं। पहले देखिए यह एक पीड़ित या प्राप्तकर्ता उन्मुख दृष्टिकोण है। तो ये देखिए यह एक सक्रिय सहभागिता दृष्टिकोण है। दूसरा लोगों को असहाय पीड़ित जान लेता है। ये देखिए लोग अपने जीवन और आजीविका के पूर्ण निर्माण में क्या है सक्रिय भागीदार होते हैं। और इसमें देखिए लोग जो क्या है प्राप्त करता है और बाहरी जो सहायता पर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें देखिए लोगों की क्षमताओं को उनकी भागीदारी के माध्यम से बनाया और विकसित किया गया है और यह विकास कार्यक्रम की स्थिरता को बनाए रखता है। ये देखिए बाहरी लोग विशेषज्ञों द्वारा किए गए आकलन की आवश्यकता और क्षति है। और इसमें देखिए जो सामुदायिक भागीदारी द्वारा किए गए आकलन की आवश्यकता और क्षति है, यह आकलन की यथार्थवादी तस्वीर प्रदान करता है। ये देखिए यह तकनीकी समाधान और नैतिक सहायता पर केंद्रित है। ये देखिए यह समुदाय को उनकी कमजोरियों को दूर करने में सहायता करने पर केंद्रित है ताकि अल्पकालिक सहायता को दीर्घकालिक विकास से बदल दिया जा सके। यह है व्यक्तिगत, मतलब जो व्यक्तिगत घर पर ध्यान केंद्रित करना। और इसमें है समुदाय और उनकी संरचना को मजबूत बनाने पर केंद्रित करना। यहाँ पे तो सिर्फ व्यक्तिगत जो घर होते हैं उन पे ही ध्यान केंद्रित करना, लेकिन जो यहाँ पे क्या है जो समुदाय होते हैं, ठीक है, जो समुदाय होते हैं उनकी जो संरचनाएं होती हैं उनको मजबूत बनाने पर क्या है ध्यान केंद्रित करना है। यह DRR
DRR उपायों की स्थिरता को बढ़ाता है और समाज और उसके संसाधनों को भी एकीकृत करता है। ये देखिए लास्ट, आपदा प्रबंधन को समुदाय को राहत जो प्रदाता पर माना जाता है, और ये आपदा प्रबंधन को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और विकास जो विकास पहलों में सामुदायिक जागरूकता और संवेदनशीलता सामुदायिक भागीदारी और DRR को मुख्य धारा स्ट्रीमिंग DRR के रूप में माना जाता है। चलिए अब हमने इसमें डिफरेंस था वो हमने देख लिए किस तरीके से है और ये किस तरीके से ठीक है कराया गया है वो। अब हम देखते हैं समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन CBDMRA। देखिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन, समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन जो है स्थानीय स्तर पर खतरे संवेदनशीलता और क्षमता की पहचान और आकलन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। और जो ADPC जो है उनके अकॉर्डिंग सामुदायिक जोखिम आकलन नकारात्मक प्रभावों और खतरों के प्रकृति दायरे और परिमाण को निर्धारित करने की एक सहभागी प्रक्रिया है जिसे निर्दिष्ट अवधि के दौरान अनुमानित किया जा सकता है और स्थानीय क्षमताओं को नियोजित करके कम किया जा सकता है। अब देखिए विपदा का आकलन, तो जो विपदा होती है हम उसका आकलन कैसे करते हैं, तो ये देखिए विपदा का आकलन समुदाय स्तर पर खतरों की प्रकृति का आकलन करता है। यह विश्लेषण समुदायों सदस्यों द्वारा उनके गांवों में संभावित जोखिमों और खतरों की क्या है पहचान करने और समाज को स्थिति स्थापन में लाने के लिए जो उचित उपाय होते हैं उनकी क्या है पहचान करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर क्या है इस तरह के आंकलन निम्नलिखित जवाब खोजने की कोशिश करते, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो पहला है एक जो विशिष्ट क्षेत्र में जो मौजूद खतरों की क्या है प्रकृति और तीव्रता क्या है, मतलब जो कोई भी जो आपदा आती है कुछ भी आता है तो उस जगह पे खतरों की जो प्रकृति और उसकी तीव्रता क्या है। दूसरा होता है जोखिम पर कौन से तत्व होते हैं, जोखिम होता है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं जोखिम होने के। तीसरा है इन खतरों के कारण होने वाली हानि की संभावित सीमा क्या होती है, क्या हो सकती है कि जो खतरे होते हैं तो उनकी सीमा के, मतलब उसकी लिमिट कितनी हो सकती है उसका अनुमान, और इन खतरों की अवधि क्या है और वे यौगिक खतरों को उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो खतरे के आकलन के प्रमुख उपकरण क्या है, गांव के खतरे के नक्शे स्थान की ऐतिहासिक रूपरेखा और मौसमी कैलेंडर है। इस अभ्यास में समुदाय अपने क्षेत्र में मौजूद खतरों इसकी प्रकृति और आवृत्ति का आकलन करते हैं और उस गांव में आर्थिक संवेदनशील क्षेत्र या समूह की पहचान करते हैं। अब तक हमने देखा था विपदा का आकलन कैसे करते हैं, अब जो जोखिम होता है जोखिम का आकलन कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं। देखिए जोखिम का आकलन, अधिकांश जो विपदाएं होती है समुदाय की संवेदनशीलता और समुदाय की तैयारी के कारण विनाशकारी हो जाती है। संवेदनशीलता आकलन इस सीमा को मापता है कि किस हद तक लोगों या बुनियादी संभाव जो संरचनाएं होती हैं संरचनाओं को विपदाएं से प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। दूसरे शब्दों में यह जो क्या है कई क्षेत्रों की क्या संवेदनशीलता का विश्लेषण करता है।
विश्लेषण करता है, मतलब जो खतरनाक क्या है विश्लेषण अभ्यासों में पहचाने गए जो प्राकृतिक खतरों से क्या है अवगत हैं। इस क्षेत्र में जो सामाजिक है, सामाजिक आजीविका, आर्थिक भौतिक संपत्तियां, कृषि और जो राजनीतिक और प्रशासन, ये सभी क्या है 1994 शामिल है। यह आकलन लोगों की जो सक्रिय भागीदारी के बिना बिल्कुल संभव नहीं है, बल्कि क्योंकि ये बस वे लोग हैं जो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खतरे के लिए संवेदनशीलता आकलन के दो चरण के परिणाम निम्नलिखित होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं तो हम देखते हैं। पहला है जोखिम के किस तत्व पर खतरा है उसकी सूची बनाना। तो उसमें क्या है, देखिए एक बार विशेष गांव में विपदा की पहचान हो जाने के बाद खतरे के कारण होने वाली क्षति की संभावना को जानना आवश्यक है। संवेदनशीलता आकलन के दौरान निम्नलिखित तत्वों पर डाटा आवश्यक है। तो कौन सा है वो, तो एक है जनसंख्या, आयु, जेंडर और स्वास्थ्य। जनसंख्या, आयु, जेंडर और स्वास्थ्य। दूसरा है आजीविका का क्या है, प्रकार और स्थान के, उसका क्या प्रकार है और उसका स्थान कौन सा है। तीसरा है स्थानीय अर्थव्यवस्था की, जो स्थानीय जो लेवल की जो इकोनॉमी वो है। और चौथा है कृषि और मत्स्य पालन, जो कृषि है और जो मत्स्य पालन, जो मछलियाँ पाली जाती है जो। और पांचवा है इमारतों और बुनियादी संरचनाएं। और है संस्कृति संपत्ति होता है जो पुस्तकालय या संग्रहालय और जो विरासत भवन है। कहने का मतलब है जैसे जो लाइब्रेरी जो होती है, संग्रहालय जहाँ पे जो सामान जो पहले की सब चीज़ें, मतलब जो विश्व धरोहर जो होती है वो विरासत भवन, जो पहले के लोगों से जो मतलब उन्होंने बनाए हैं, जो राजा महाराजाओं ने बनाए हैं, तो वो सब क्या है गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उनकी बात हो रही है। और सांस्कृतिक संपत्ति जो उसमें आ जाती है, स्थानीय संस्थान ये अब आदि आ जाते हैं। तो देखिए पहले तो हमने ये देखा था, ये देखिए जोखिम के किस तत्व पर खतरा है उसकी सूची बनाना, और दूसरा है कि जो जोखिम पर तत्वों के संवेदनशीलता का आकलन करना। तो संवेदनशीलता का किस तरीके आकलन किया जा सकता है, तो ये देखिए एक बार जरूरी जानकारी एकत्र हो जाने के बाद जोखिम का सटीक आकलन करने के लिए विपदा से तत्वों को कैसे प्रभावित किया जाए यह पहचानना आवश्यक है। सामाजिक संवेदनशीलता कारकों का विश्लेषण समुदाय के सदस्यों को सामना करने का तंत्र प्रदान करेगा। देखिए अब हम देखते हैं क्षमता का आकलन जो UNISDR के अकॉर्डिंग क्या है। क्षमता एक समुदाय समाज या संगठन के भीतर उपलब्ध सभी ताकत और जो संसाधनों का क्या है संयोजन है, जो जोखिम के स्तर को कम कर सकती है या आपदा के प्रभाव को कम कर सकती है। जो ADPC जो होती